बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर 82। इसमें आज हमने पढ़ना है पोर्ट्स एंड इट्स टाइप्स। स्टार्ट करते हैं हम। पोर्ट क्या है? कंप्यूटर के सामने और पीछे कुछ पॉइंट्स बने होते हैं जहां पर हम डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। वो पॉइंट जहां पर डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं वो डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट साइज, डिफरेंट पिन में मौजूद होते हैं। हर डिवाइस उसके मुताबिक कनेक्ट की जाती है तो उनको पोर्ट कहा जाता है। एक जो कंप्यूटर के पीछे जो मुख्तलिफ पॉइंट्स बने होते हैं उनको पोर्ट कह सकते हैं। दूसरा, डिवाइस के साथ जो वायर कनेक्ट होती है उसके सामने जो पिन बनी होती है उसको भी पोर्ट कहा जाता है। तो पोर्ट एक ऐसी इंटरफेस कि जिससे डिफरेंट डिवाइसेस को हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ज्वाइन करना, जोड़ने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स के कनेक्शन बने होते हैं उनको हम पोर्ट्स कह सकते हैं। पोर्ट इज एन इंटरफेस और कनेक्शन पॉइंट थ्रू विच पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट टू द कंप्यूटर। पेरिफेरल डिवाइसेस इज अ कंपोनेंट सच एज मॉनिटर और कीबोर्ड। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है और ढेर सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं, तो उसके लिए जो डिफरेंट टाइप के जो इंटरफेस हैं, जो डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स हैं वो लगाए जाते हैं। इनकी स्पीड डिफरेंट होती है, हर पोर्ट की स्पीड डिफरेंट होती है। बाज में डेटा का फ्लो कम होता है, कुछ में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ में और ज़्यादा होता है। तो इसमें यह हमेशा रखा जाता है कि उसकी स्पीड के लिहाज से रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ डेटा का फ्लो इतना ज़्यादा नहीं होता। एक सेकंड में आप कितने करेक्टर टाइप कर सकते हैं? एक दो। जबकि सीपीयू से प्रिंटर की तरफ जो डाटा का फ्लो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप प्रिंट की कमांड देते हैं तो आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट जितना जल्दी हो सके प्रिंट, तो ज़्यादा डाटा एट ए टाइम ट्रांसफर करना होता है, तो वहाँ पर डाटा का फ्लो ज़्यादा रखा जाता है। लेकिन आजकल जो कीबोर्ड है वो भी यूएसबी पोर्ट में आ गए हैं जिसकी स्पीड फास्ट होती है। लेकिन वो उसकी मेन रीज़न ये है कि आजकल सीरियल पोर्ट की बजाय जो यूएसबी पोर्ट है वो ज़्यादा कंपेटिबल है, ज़्यादा ड्यूरेबल है, उसकी शेप इस तरह की है, उसमें पिन अलग से नहीं बनी होती, तो वो आसानी से अवेलेबल होता है। तो कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस। ईच टाइप ऑफ पोर्ट ऑपरेट्स एट सर्टन स्पीड। The speed can be measured in kilobits per second, KBPS, MBPS यानी megabits per second और gigabit per second, GBPS। इसमें आ जाती है, इसमें स्पीड होती है। पहला इसमें आ जाता है सीरियल पोर्ट। ये पहले थी, पहले यूज़ होती थी माउस और कीबोर्ड आउटपुट में इस पोर्ट के साथ कनेक्ट किए जाते, लेकिन आजकल क्योंकि माउस और कीबोर्ड भी यूएसबी में आ गए, क्योंकि इस पोर्ट में खासा स्पीड कम होती और जो पिन है वो थोड़ी सी भी टेढ़ी हो गई या टूट गई तो उससे कनेक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो सकता। अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट ट्रांसमिट वन बिट एट अ टाइम इज कॉल्ड सीरियल। इसमें वन बिट एक वक्त में ट्रेवल करता, ज़्यादातर कीबोर्ड माउस के साथ ही यूज़ की जाती शुरू में बहुत पहले।
और इसकी स्पीड इस वजह से कम होती, ये 115 kbps जो है इसकी स्पीड होती। इसमें इट इज़ यूजली यूज टू कनेक्ट डिवाइसेज दैट डू नॉट रिक्वायर फास्ट ट्रांसमिशन लाइक माउस एंड कीबोर्ड। सीरियल पोर्ट्स आर ऑफन नोन एज कम्युनिकेशन पोर्ट, उनको कॉम पोर्ट भी कहा जाता था। और डाटा ट्रेवल ओवर सीरियल पोर्ट एट 115 kbps, ये आपने बोल्ड करके लिखना है और अंडरलाइन भी करना है ताकि इसकी स्पीड आपने मेंशन करनी है कि सीरियल पोर्ट की कितनी स्पीड है। सीरियल पोर्ट्स वर वन ऑफ द अर्लीस्ट पोर्ट यूज्ड इन द कंप्यूटर, पहले यूज होती थी। सेकंड इसमें आ जाती है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट ऐसी पोर्ट थी जिसका जो सीरियल पोर्ट से ज़्यादा फास्ट थी। इसमें इसमें ऐसी डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं इसके साथ जिसमें डाटा ह्यूज अमाउंट में ट्रेवल करना हो, जैसे प्रिंटर है या स्कैनर है, तो उसके साथ ये पोर्ट यूज़ की जाती है। इसमें नंबर ऑफ पिन्स उनकी तादाद भी ज़्यादा होती, या बाज़ का ये अलग से एक शेप में स्टाइल में भी अवेलेबल होती। तो इसके अंदर डाटा ज़्यादा तादाद में जो है वो एट ए टाइम ट्रांसफ़र किया जा सकता। 12 Mbps, यानी उसमें 115 kbps था और इसमें 12 Mbps डाटा जो है वो ट्रेवल किया जा सकता। अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट ट्रांसमिट्स मैनी बिट्स एट अ टाइम इज कॉल्ड पैरेलल पोर्ट। इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस दैट ट्रांसफर मैनी बिट्स एट अ टाइम एंड रिक्वायर फास्ट डेटा ट्रांसमिशन लाइक प्रिंटर एंड स्कैनर। पैरेलल पोर्ट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज अ लाइन प्रिंटर पोर्ट LPT। और इसकी स्पीड कितनी है पैरल पोर्ट्स की, 12 Mbps। जिस तरह उसकी 115 kbps थी, इसकी 12 Mbps। पैरल पोर्ट्स आर ओल्डर पोर्ट्स एंड आर नॉट टिपिकली फाउंड ऑन मॉडर्न कंप्यूटर। आजकल इतना यूज नहीं होते क्योंकि यूएसबी पोर्ट्स आ गए और भी काफ़ी तादाद में पोर्ट्स हैं, SCSI पोर्ट्स हैं और काफ़ी तादाद में पोर्ट्स आ गए जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूएसबी पोर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। साटा पोर्ट आ गई है मुख्तलिफ। तो इसमें ये जो पोर्ट यूज़ की जाती थी ये पहले यूज़ की जाती थी, लेकिन ये प्रिंटर के लिए यूज़ की जाती थी। यहाँ पर ये शेप आप देख रहे हैं, ये दो स्टाइल में ये अवेलेबल थी, DB25 और इसमें सेंट्रोनिक्स 36। ये मुख्तलिफ ये प्रिंटर और स्कैनर के लिए यूज़ की जाती है। थर्ड्स में आ जाते हैं USB पोर्ट, जो कॉमनली आजकल भी यूज़ होती हैं। USB पोर्ट वायर के साथ जो पिन कनेक्ट होती है वो भी USB कहलाती है। कंप्यूटर के अंदर जो बनी होती है पोर्ट उसको भी USB पोर्ट कहा जाता है। दोनों जो है यानी इसमें इस पिन को भी पोर्ट कहा जाएगा USB पोर्ट और इन होल्स को भी USB पोर्ट कहा जाता है। तो इसमें USB पोर्ट इतनी कॉमनली यूज़ होती है कि 127 डिफरेंट टाइप की जो डिवाइसेस हैं वो इस पोर्ट के साथ कनेक्ट की जा सकती हैं, यानी इस टाइप में अवेलेबल है और इसमें स्पीड ज़्यादा है। दूसरा, इसमें बाज़ डिवाइसेस के लिए ये पावर केबल के तौर पर भी यूज़ होती है, जैसे मोबाइल्स वगैरह के लिए। उसके अलावा इसमें जो 3.0 वर्जन इसका आया उसकी स्पीड जो है 4.8 GBPS है, गीगाबिट्स पर सेकेंड। देखें 1000 kbps हो तो 1 Mbps बनता है, 1000 Mbps हो तो 1 GBPS बनता है। तो इसकी स्पीड पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट से बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट इज मॉडर्न कॉमन टाइप ऑफ पोर्ट टू कनेक्ट डिवाइसेस टू अ कंप्यूटर
इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा। अब कीबोर्ड और माउस, हालांकि वहाँ पर स्पीड का मैंने पहले बताया कि उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा करेक्टर हम टाइप नहीं करते, सीरियल पोर्ट के साथ भी काम प्रॉपरली हो सकता है। लेकिन इसके साथ यूएसबी पोर्ट इस वजह से रखी, एक तो यूएसबी पोर्ट ड्यूरेबल होती है, यानी जल्दी ख़राब नहीं होती। दूसरा, हर कंप्यूटर में सीरियल पोर्ट अगर अवेलेबल थी तो एक, जबकि यूएसबी पोर्ट 3-4 हो सकते हैं, आसानी से किसी भी जगह पर कनेक्ट की जा सकती है, मोर देन वन भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इस वजह से यूएसबी पोर्ट में आ गए। डिजिटल कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये मुख्य भाग है। इट कैन कनेक्ट अप टू 127 डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस विद अ सिंगल कनेक्टर टाइप, यानी इसी टाइप में तकरीबन 127 डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट किए हुए हैं। USB ports can be used as power supply for different devices like smartphones and tablet. आजकल जैसे मोबाइल्स हैं तो उनके जो चार्जर है उसके साथ आपने देखा होगा कि USB केबल कनेक्ट होते हैं, USB ports बनी हुई। The current USB 3.0 standard provides transfer speed of 4.8 Gbps. ठीक है, तो ये इसमें 2.0 USB भी थी जब स्पीड के लिहाज से, फिर USB 3.0 आ गई, उसमें इतनी स्पीड हो सकती है इसकी। यहाँ तक ये हमने पोर्ट्स के हवाले से पढ़ा, नेक्स्ट पर आगे हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।